या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे मियां।
फॅशन डिझायनर सेपन इनामदार यांच्या इफ इना बुटीक या ब्रँडला कलेक्शन असणाऱ्या प्रशस्त दालनाचा विविध सेलिब्रिटींच्या उपस्थित मोठ्या थाटात शुभारंभ करण्यात आला. फॅशनच्या क्षेत्रात सोलापूरकरांना ब्रँडल कलेक्शनसह अन्य लेटेस्ट व्हरायटी उपलब्ध करून देणाऱ्या इफ इना बुटीकच्या कन्ना चौक परिसरातील दुसऱ्या शाखेचा विविध सेलिब्रिटीच्या उपस्थित मंगळवारी सायंकाळी मोठ्या जल्लोषात शुभारंभ करण्यात आला. विविध अवॉर्डन या प्रसंगी सेलिब्रिटींचा गौरव देखील करण्यात आला. संचालक फॅशन डिझायनर सेपन इनामदार नावेद दलाल यांच्यासह मान्यवरांचा यावेळी प्रमुख उपस्थित होते. इफ इना बुटीका शुभारंभाकरिता सोशल मीडियावर प्रभावी सेलिब्रिटींची मोठी रेलचेल होती. बाळीवेस परिसरात ओरिएंट डिलाईट हॉटेल इथं या सेलिब्रिटींना त्यांच्या कार्याबद्दल इफ इना बुटीकच्या वतीने सेपन इनामदार आणि नावेद दलाल यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आलं. यावेळी फॅशन डिझायनिंग क्षेत्रातील मान्यवरांचं उपस्थित होते. माध्यम क्षेत्रातील मंडळींचा देखील यावेळी सन्मान करण्यात आला. स्टॉप दरम्यान या सेलिब्रिटींना पाहण्यासाठी त्यांच्या समवेत फोटो काढून घेण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती. सोलापूरात येऊन मोठा आनंद झाल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. यानंतर पार पडलेल्या मुख्य कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते इफ इना बुटीकच्या दालनाचा मोठ्या जल्लोषात उद्घाटन करण्यात आलं. या प्रसंगी दालनाची विशेष सजावट करण्यात आली होती. सेलिब्रिटींनी दालनाची पाहणी करत गौरवोद्गार काढले. आपल्या मनोगतात संचालन सेपन इनामदार यांनी इफ इना बुटीक हे युवक युती आदींना एक पवर्णी असल्याचं म्हटलं. दरम्यान उद्घाटन सोहळ्यावेळी क्राउनिंग सेरेमनी देखील पार पडली. स्वरा पवार ब्रँड अँबेसिडर म्हणून आराध्य पवार यांचा सन्मान करण्यात आला. सुकन्या आमनेस तसंच श्रद्धा बिराजदार यांची यावेळी उपस्थित होती. एकूणची मोठ्या ताटात इफ इना बुटीकचा शुभारंभ करण्यात आला. शुभेच्छा देण्यासाठी विविध क्षेत्रातील मंडळींनी गर्दी केली होती. हाँ मैडम, आपका नाम बोला जी सुनो. तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिदा हिजाब और मैं आई हूँ सोलापुर में साइफन इमानदार की जो इना बुटीक की ओपनिंग में थर्ड शोरूम उन्होंने ओपनिंग किया है, तो उन्होंने हमको बुलाया है. ये मेरा सेकंड टाइम है विजिटिंग का सोलापुर. मुझे आके बहुत अच्छा लगा और मैं यही चाहूँगी कि जो साइफन ने इतनी बढ़ चढ़ के जो हमको बुलाया है और ये जो शोरूम ओपन किया है उसमें अल्लाह उनको ऐसी तरक्की दे कि वो 3-4-5-6 और भी शॉप ओपन करें. मैडम, जब आप पार्लर से मिलते हैं, सामने आते हैं, तो एक एक्सपीरियंस कैसा रहता है? बस मुझे फॉलोवर से मिलके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके वजह से हम, अगर वो लोग हमको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है. और माशाल्लाह से 1 लाख का जो सफ़र है मेरा बहुत अच्छा रहा और फॉलोवर्स मुझे जानते हैं वही बड़ी बात. सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है? जी, मैं सोशल मीडिया पे, और अभी ऐसा हो गया है कि बस सोशल मीडिया की हर एक वीडियो उठा के हर कोई यूट्यूब में डाल देता है तो बहुत अच्छा लगता है अपनी पहचान में. सोलापुर में आके बहुत अच्छा लगा. सोलापुर के लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगे और जैसे कि शाहिफन ने हम लोगों को इतनी इज्जत दिए है और ऐसे हमारे लिए ऐसे जो ये सब रखे बॉन्सर हमारी सेफ्टी के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो थैंक यू दिल से. और इनके माध्यम से मैं ये कहना तो चाहूँगी कि जल्द से जल्द इनके चैनल को सब्सक्राइब करूँ और इनको भी सपोर्ट करूँ. शबाना शाह 19, मैं इंस्टाग्राम में सेलिब्रिटी हूँ और माशाल्लाह सेफन जी ने हम लोग को जो सोलापुर पे बुलाए हैं और बहुत अच्छा हम लोग का रहने का खाने का सुविधा बहुत अच्छी की. और दूसरी बात, उनका ब्यूटिक चैनल मीना ब्यूटिक उनका हम लोग दिख रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है. अभी आप लोग को भी वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत अच्छा ब्यूटिक. आप लोग कोई भी यहाँ पे सोलापुर पे तो ज़रूर उनके ब्यूटिक पे विजिट करिए. और क्या बोलूँ, नहीं बोल सकती. और सहपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब. सोलापुर में आपको आके कैसा लगा? बहुत बहुत सोलापुर में मुझे आके बहुत अच्छा लगा और सोलापुर बहुत अच्छा है. आप कोई भी यहाँ पे करीब में तो ज़रूर आइए बिना ब्यूटिक में. सो हे गाइस, मेरा नाम निकिता है और मैं मुंबई से आई हूँ सोलापुर. साइफन इनामदार सर ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है, किस लिए? क्योंकि आज उनका हिना बुटीक का इनॉग्रेशन है. मुंबई में हमने साइफन सर के साथ हमारा 2-3 बार मुलाकात हुआ है. उनका जो डिज़ाइनर क्लॉथ है, ऑसम डिज़ाइनर, ऑसम कलेक्शन है. हम अभी इना बुटीक जाके भी आए थे. ब्राइडल वेयर्स आर वेरी, मतलब कहते हैं ना, ऑसम, नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे डिज़ाइनर क्लॉथ्स आपको मिलेगा डेफिनेटली. अगर आप सोलापुर में रहते हो तो इना बुटीक विजिट करना, एक अलग डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे ब्राइडल वेयर में. तो डेफिनेटली विजिट करना. और साइफन सर, थैंक यू सो मच हम लोग को यहाँ पे बुला. कैमरा पे देखिए. ओके रोड, हाँ.
ओके हाँ। सो हाय गाइस, मेरा नाम अमनप्रीत कौर है और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। वैसे मैं मॉडल भी आई करती हूँ, छोटी मोटी मूवी में रोल भी कर लेती हूँ। आज मैं आई हूँ सोलापुर में साइपल ईमानदार के ओपनिंग में, इना बुटीक के ओपनिंग में। तो मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा और उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है और उनकी बुटीक भी मुझे बहुत ही पसंद आया। सो और यहाँ पे मुझे मेरे फॉलोअर्स भी मिले तो उनको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनको मिलकर भी बहुत खुशी हुई मुझे। सो थैंक यू सो मच। जब आप पब्लिक में जाते हैं वहाँ पर एक्सपीरियंस रहता है कि आपके फॉलोअर्स आपको मिलते हैं, तब कैसी बात करते हैं? तो उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसा अपनापन लगता है मुझे कि मेरे से भी कोई प्यार करते हैं, मुझे इतना चाहते हैं लोग। मैं हूँ आपका राजा। मैं हूँ निकिता। तो हम लोग इंस्टा में बहुत रील बनाते हैं, थोड़ा सा फेमस है, लेकिन तो इसके वजह से हम लोग को सोलापुर बुलाया है। निकिता, आप क्या बोलना चाहते हैं? तो इंस्टाग्राम में एज अ डांसिंग कपल हम लोग फेमस है, हम लोग एज अ कपल डांस करते हैं। प्रोफेशन फील्ड तो हमारा एकदम अलग है, बट पैशन है डांस करना, तो हम डांस करके वीडियोज अपलोड करते हैं। एक मसाला टाइप जैसा है ना, तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो मैं तो बीएमसी में हूँ मुंबई में और ये कॉलेज के लेक्चरर है, फिर भी हम लोग डांस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो सोलापुर में आए हैं हम लोगों को बुलाया, तो बहुत अच्छा लगा। इधर के जो लोग हैं बहुत प्यारे हैं, एकदम शांत टाइप। ओके सर, हाँ सर, ऐसा एकदम फैमिली टाइप लगता है। बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, यहाँ पे बहुत अच्छा वेलकमिंग मिला है और बहुत अच्छे होटल में हम लोग कह रहे हैं। यहाँ पे जितना भी मतलब हमारा एक्सपीरियंस रहा है एक दिन में, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। सोलापुर के लोग बहुत प्यारे हैं और आज हम लोग यहाँ पे एक बुटीक ओपनिंग के लिए आए हैं। साइकिल सर ने बुलाया है, बहुत अच्छा। तो उनको भी आप मुंबई में रहते हो और अभी आज आपने सोलापुर में आए, एक लोगों का प्यार देखकर कैसे लगता है जब आप लोगों से मिलते हैं? तो आपके फॉलोअर्स हैं, उनसे मिलके आपको कैसा लगता है, कैसी बातें होती हैं? बहुत अच्छा लगता है। हमें आपका एक एक्सपीरियंस उसमें क्या कैसा है? तो एक्चुअली पहले जब कैमरा वाटर, तो पहले हम लोग जब थे तभी कुछ भी नहीं था, तो मतलब कौन से भी जगह जाते थे तो कोई पहचानता नहीं था। अभी हम लोग जैसे थोड़ा फेमस हो गए, लोग आपके प्यार बताते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग जैसे वीडियो बना रहे थे, सब लोग पब्लिक लोग खड़े रह के भारत के हर कोने में अभी हमको लोग पहचान रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। सोलापुर में हम लोग पहले टाइम आए, ऐसे कैसे क्या आपको एक आइडिया है कि ऐसे कुछ वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे, आइडिया है कैसे आया? ये हम लोग को लॉकडाउन कराया, लॉकडाउन में घर पे कुछ काम करना होगा, तो एज ए डांसर हो गई हूँ, मैं सब सोनेटी में रहने के लिए, तो 5 बार वीडियो देखा, तो मैं बोला कि चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, वाइफ को भी सिखा दूँगा, तभी उसको डांस नहीं आता, तो मैंने उसको सिखाया लॉकडाउन में। तो एक दो वीडियो बना कैसे डालते थे तो वायरल हो गया। आज की पब्लिसिटी सब देखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। किधर भी जाएंगे तो अभी समझो हम लोग हॉस्पिटल गए, तो हम लोग जाके अरे सर आप लेके आ जाओ, तो एक आसानी थ्रू उनका पहचान। तो अभी जमा होटल में हम लोग हमारे मुंबई में हम लोग होटल में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पर ऑर्डर करते हैं, फिर पर मैं बिल बना कर सर आप बिल मत भरे, हम आपके फैन हैं, ऐसा भी हुआ है हम लोग के साथ। बहुत अच्छा फायदा भी हो गया, फायदा भी होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मटन चिकन आणि बीफ साठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस येथील प्रसिद्ध हॉटेल बडेमिया, पाया ताहरी मटन बिर्याणी, मटन शीक, चिकन 65 आदि मेन्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया। मटन मध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडेमिया स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कढी, खिमा मसाला, चिकन मध्ये चिकन राइस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडेमिया चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन मसाला, असे भरपूर आइटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफ से स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेल मध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोय ही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर बेस येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया। आमचा पता हॉटेल बडेमिया, विजापूर बेस, सोलापूर।